ये साफ करता है कि बीजेपी छुपाना चाहती है, पर्दा डालना चाहती है मणिपुर में हो रहे अत्याचारों पर, हैवानियत पे, दरिंदगी पे। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। अनुच्छेद 356 के तहत मणिपुर की सरकार को बर्खास्त करना चाहिए और केंद्र सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए मणिपुर में अमन, प्यार, शांति, भाईचारा बहाल करना चाहिए। और अंत में, जिस प्रकार से सारी संसदीय प्रणाली को, कानून को, मर्यादा को, पास्ट प्रेसिडेंट्स को ताक पे रख के तार तार करते हुए मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को सस्पेंड किया जा रहा है, उसका हम सख्त विरोध करते हैं। आज एक प्रयास यह है कि कोई भी शख्स अगर मणिपुर के संदर्भ में आवाज उठाता है तो उसे धमकाया जा रहा है कि आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, हाउस से निकाल दिया जाएगा। यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। ऐसे तो विपक्ष बचेगा ही नहीं। इससे बेहतर तो यह है कि आप एक दो मेंबर्स को छोड़िए। अभी कांग्रेस पार्टी की एक रजनी पाटिल जी सस्पेंडेड है, आम आदमी पार्टी की एक संजय सिंह सस्पेंडेड है। आप इन दोनों के साथ साथ जितने विपक्ष के सांसद हैं सबको सस्पेंड कर दीजिए, सबको निकाल दीजिए। इंडिया ग्रुप के जितने सांसद हैं सबको निकाल दीजिए, क्योंकि आप लोग बहस नहीं चाहते, इन्हें इंडिया शब्द से भी परहेज है। मैं इन्हें कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी इंडिया है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया में भी इंडिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी इंडिया है, मेकअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, खेलो इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, ये सारे शब्दावली देने वाले आज इंडिया नाम से नफरत करने लगे हैं। ये इनका डर है कि कहीं ये इंडिया ग्रुप मजबूती से अपनी आवाज ना उठाए, मणिपुर के संदर्भ में अपनी आवाज ना उठाए और मणिपुर के लोगों की चीखें कहीं सत्ता के गलियारों में ना गूंजे।